हेलो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चंस। अब 3.4 का जो एक्सरसाइज है वो पूरी तरह से उससे पहले जो एक्सरसाइज हमने करी है 3.3 तक, उससे टोटली डिफरेंट है। अब ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। अब इक्वेशन को सॉल्व करना है, उसके सॉल्यूशन हमें फाइंड करने हैं। जैसे मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सॉल्व करते हो तो उसके दो सॉल्यूशन मिलते हैं, ठीक है, क्यूबिक होगा तो 3 सॉल्यूशन मिलेगा। तो वैसे ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के हमें सभी सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। जैसे इक्वेशन होगी उसका वैसे सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक है प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करना और दूसरा है जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना। यानी हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी निकालना रहेगा और जनरल सॉल्यूशन भी फाइंड करना रहेगा। जो पूछा जाएगा वो हमें निकालना रहेगा, ठीक। लेकिन इससे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पूरा बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो आप एक एक चीज डिटेल में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसके पहले जितने भी लेक्चर्स डले हैं कराए गए हैं, क्योंकि सभी फॉर्मूले अब यहाँ पे यूज होंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जितना फॉर्मूला लिखवाया गया था, सी डी का, ए प्लस बी का, ए माइनस बी का, साइन टू थीटा, जो भी है इनमें सब यूज होता है वो, ठीक। तो आपको वो आना चाहिए, आएगा तभी ये समझ में आएगा आपको। अब यहाँ पे सबसे पहले हम देख रहे हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। ट्रिग्नोमेट्रिक कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है तो इसको इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो सकता है। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है या ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होता है। बट सॉल्यूशन लाइ बिटवीन 0 टू पाई, वो सॉल्यूशन जो 0 से 2 पाई के बीच में लाए करे, यानी 0 से 360 डिग्री के बीच में जो लाए करेगा, उसे हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोलते हैं, है ना। वो सॉल्यूशन क्या कहलाता है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहलाता है, ठीक। तो आपको ध्यान देना है डेफिनेशन में। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो सकते हैं, ठीक। वो जनरल में चला जाएगा, जो इनफाइनाइट वाला है वो जनरल सॉल्यूशन में आ जाएगा, ठीक। अब बट जो सॉल्यूशन 0 टू 2 पाई के बीच लाए करेगा, है ना, थीटा लाए बिटवीन 0 टू 2 पाई, यानी 0 से 360 के बीच जो लाए करेगा, उसे हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोलेंगे। अब फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एग्जांपल है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। साइन थीटा 1/2 है, तो सबको पता है कि साइन थीटा 1/2 कहाँ कहाँ होता है। एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 30 डिग्री और सेकंड क्वाड्रेंट में भी साइन पॉजिटिव होता है, ठीक, तो वहां को 150 डिग्री। तो ये दोनों ही सही है, और ये जो दोनों है लाए बिटवीन 0 टू 360, ठीक है, तो 0 टू 360 के बीच में लाए भी कर रहे हैं, तो इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन 2 हो जाएगा, पाई बाय 6 भी होगा और 5 पाई बाय 6 भी होगा। पाई बाय 6 यानी आपका 30 डिग्री और 5 पाई बाय 6 यानी कितना हो जाएगा, 150 डिग्री, ठीक। तो ये इसके क्या हो गए, आपके प्रिंसिपल सॉल्यूशन। और मैं इसके एल्गोरिदम लिखवा रहा हूँ ग्राफ के थ्रू कि आप कैसे प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करोगे। मैंने ये एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताया, लेकिन ये कैसे फाइंड करेंगे, कैसे इसे सॉल्व करेंगे, तो मैं एक एक चीज बहुत डिटेल में समझाने जा रहा हूँ आपको। तो पहले प्रिंसिपल सॉल्यूशन, देन जनरल सॉल्यूशन। तो पहले प्रिंसिपल सॉल्यूशन पूरा समझ लेते हैं, फिर जनरल सॉल्यूशन समझेंगे। यहां तक आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, आगे मैं और करा रहा हूं। चलिए अब एल्गोरिदम देखते हैं, है ना, एल्गोरिदम टू फाइंड दी प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए, तो मैं समझा रहा हूं यहाँ पे। लेट दी इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ, हमने सपोज कर ली कि जो हमारी इक्वेशन है या तो साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू के फॉर्म में होगी या कॉस थीटा इक्वल टू के, या टेन के फॉर्म में होगी या कॉट के फॉर्म में, या कॉसेक के फॉर्म में होगी या सेक के फॉर्म में। रेशियो 6 ही होते हैं, इससे ज्यादा तो कुछ होगा नहीं। इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को मैंने मान लिया कि एक k के फॉर्म में होगी, मतलब k कोई कांस्टेंट, जैसे sin थीटा इज इक्वल टू 1/2, √3/2, -√3/2, है ना। k यानी एनी कांस्टेंट भाई इन रेशियो में। फॉर एग्जांपल sin थीटा इज इक्वल टू ये -√3/2 या +3/2, एनीथिंग, है ना, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब सेकंड स्टेप, इफ द कांस्टेंट k इन RHS, इफ द कांस्टेंट k इन RHS is negative, make it positive by using modulus sign. अगर constant term negative है, तो हम इसको क्या करेंगे? Positive करेंगे। तो positive कैसे करेंगे इसे? Sin theta is equal to -√3/2 का modulus. तो कितना हो जाएगा? ये क्या बन जाएगा? √3/2 हो जाएगा, यानी positive हो जाएगा। अगर RHS में constant term negative है तो उसमें modulus हम put करके उसको क्या कर देंगे? Positive. Second step ये हमारी होगी, यानी positive में convert कर देंगे। अब find the value of theta between 0 to 90 degree. अगर ratio positive है तो positive first quadrant में सभी ratio positive होते हैं, यानी first quadrant में sin, cos, tan, cot और cosec सभी positive होते हैं। तो हम क्या करेंगे, 0 से 90 degree के बीच की value निकालेंगे, उसे हम alpha नाम दे देंगे, ठीक। यानी हम वो value find करेंगे theta, थीटा जो है जो वैल्यू इंप्रूव करके निकालेंगे, तो क्या हम उसको सपोज कर लेंगे, अल्फा मान लेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे मान लीजिए आ गया
साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस रूट थ्री बाय टू था तो उसको हमने पॉजिटिव मान लिया, ये रूट थ्री बाय टू हो गया। अब ये जो वैल्यू कितनी है किसमें होता है 60 डिग्री, ये कितना हो जाएगा साइन पाई बाय थ्री, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन पाई बाय थ्री। तो हम इसको सपोज कर लेंगे अल्फा इज इक्वल टू पाई बाय थ्री, ठीक, हमने इसे अल्फा मान लिया, थीटा को हम अल्फा कंसिडर कर लेंगे। अब आगे देखते हैं फोर्थ लाइन, द साइन ऑफ के विल बी डिटरमाइंड द क्वाड्रेंट इन विच थीटा लाई। के क्या करेगा वो क्वाड्रेंट बताएगा, यानी साइन ऑफ के वो क्वाड्रेंट बताएगा जिसमें हमारा थीटा लाई करेगा। फॉर एग्जाम्पल हमने साइन क्या माना था यहाँ पे, साइन थीटा माइनस रूट थ्री बाय टू माना, ठीक, तो साइन माइनस रूट थ्री बाय टू यानी ये के क्या है निगेटिव है, जो के था हमारा निगेटिव टाइप की वैल्यू है, यानी के की वैल्यू क्या है निगेटिव है यहाँ पे, ठीक। तो साइन निगेटिव कहाँ कहाँ पे होता है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है, या तो थर्ड में होगा या फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो जो साइन है के वो क्वाड्रेंट बताएगा किस क्वाड्रेंट में हमारा थीटा लाई कर रहा है। अब मान लीजिए द वैल्यू ऑफ थीटा विल बी, अब जो वैल्यू ऑफ थीटा हम फाइंड करेंगे यानी जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन हम फाइंड करेंगे, ठीक है, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या सेकंड क्वाड्रेंट में होगा या थर्ड में होगा या फोर्थ में होगा। अगर वो फर्स्ट में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, तो हम अल्फा प्रिंसिपल वैल्यू अल्फा मान लेंगे, ठीक। प्लस में होगा तो प्लस में के लिए अल्फा हम लिखेंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए पाई माइनस अल्फा, थर्ड के लिए पाई प्लस अल्फा, और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए क्या हो जाएगा वो टू पाई माइनस अल्फा, ठीक। तो ये पूरा इसका वर्किंग प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक। तो इसी क्वेश्चन को मैं जो ये साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस रूट थ्री बाय टू है, इसके बाद मैं एग्जांपल लेके इसको समझाता हूं, एक एक स्टेप आपको समझा देता हूं कैसे इसको करना है, नोट डाउन इसे करिए आप। चलिए अब उसमें हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको, ठीक है। तो एग्जांपल मैं समझा रहा हूं, आपके चारों क्वाड्रेंट बने हुए फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ, ठीक। तो क्वाड्रेंट का बहुत बड़ा रोल है इसमें, है ना, इसका यूज हम करेंगे। अब यहाँ पे फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ साइन थीटा, साइन थीटा का प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमें फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन लिख रहा हूं मैं, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे लेकिन आपको कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा। साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस रूट थ्री बाय टू, अब यहाँ पे के क्या है निगेटिव है, कॉन्स्टेंट टर्म निगेटिव है, तो हम इसको क्या करेंगे मॉडुलस कर देंगे और इसको चेंज कर देंगे इसमें पॉजिटिव में, ठीक है, रूट थ्री बाय टू। तो साइन थीटा इज इक्वल टू रूट थ्री बाय टू, अब रूट थ्री बाय टू साइन में जीरो से 90 डिग्री के बीच वैल्यू तो कहीं नहीं होगी क्योंकि पॉजिटिव है, तो जीरो डिग्री से 90 डिग्री के बीच की इसकी वैल्यू होगी। तो सबको पता है कितना होता है साइन पाई बाय थ्री, यानी कितना 60 डिग्री, ठीक। तो अब ये जो थीटा की वैल्यू आई है पाई बाय थ्री आई है, जो एक्चुअल थीटा तो पाई बाय थ्री था नहीं, ये पाई बाय थ्री बिल्कुल नहीं था भाई, है ना, क्योंकि ये निगेटिव था। अब हमने थीटा को पॉजिटिव करके सॉल्व किया, जो वैल्यू आ रही थीटा की हम उसे क्या करेंगे लेट अल्फा मान लेंगे, अल्फा इज इक्वल टू पाई बाय थ्री, वो थीटा ना कंसिडर करते हुए हम क्या सपोज कर लेंगे वो अल्फा है, थीटा नहीं है, उसको हमने अल्फा सपोज कर लिया और अल्फा को पाई बाय थ्री हमने मान लिया। अब हम देखेंगे क्या, अल्फा तो हमें मिल गया, एंगल कितना होगा 60 डिग्री। अब यहाँ पे दो चीजें आपको ध्यान देनी है, मेन चीज यहाँ पे देखना है आपको कि अब यहाँ पे हमें के पे सब कुछ डिपेंड करता है कि के किस टाइप का है, ये के है हमारा, है ना, तो के किस टाइप का है निगेटिव टाइप का है। तो निगेटिव कहां पे होता है, साइन निगेटिव कहां पे होता है, साइन निगेटिव या तो यहाँ पे होगा थर्ड क्वाड्रेंट में होगा या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है क्या पाई प्लस अल्फा, और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए क्या होता है टू पाई माइनस अल्फा। तो यहां पे प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो हम लिखेंगे, ठीक, एक तो होगा थर्ड क्वाड्रेंट के लिए, तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए क्या हो जाएगा पाई प्लस अल्फा, तो पाई प्लस अल्फा यानी थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थीटा इज इक्वल टू पाई प्लस अल्फा यानी कितना पाई बाय थ्री, तो कितना एलसीएम ले लो तो थ्री पाई प्लस पाई कितना फोर पाई बाय थ्री, ठीक। अगर डिग्री में चेंज करो तो पाई बाय थ्री कितना होता है आपका 60 डिग्री, तो 60 मल्टीप्लाई बाय फोर तो कितना हो जाएगा डिग्री में 240 डिग्री। और दूसरा सॉल्यूशन कहां पे आएगा हमारा, दूसरा सॉल्यूशन आ जाएगा किसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में भाई क्या होगा आंसर टू पाई माइनस अल्फा, तो टू पाई अल्फा यानी थीटा इज इक्वल टू टू पाई माइनस पाई बाय थ्री। तो अगर सॉल्व करें एलसीएम देने के बाद तो ये कितना हो जाएगा हमारा
6 माइनस पाई यानी कितना 5 पाई बाय 3 तो कितना हो जाएगा अगर डिग्री में देखा जाए तो 300 पाई बाय 3 यानी 60 तो 60 × 5 तो 66 × 5 30 यानी 300 तो ये हमारा दो आंसर होगा यहाँ पे ना टू आंसर आएंगे इसके ये दोनों आंसर है ठीक प्रिंसिपल सॉल्यूशन है तो आप सबको ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करना है जैसे हमने क्वेश्चन दिया है यहाँ पे नेगेटिव है तो उसको हमने पॉजिटिव कंसिडर कर लिया अगर पॉजिटिव है तो आवश्यकता ही नहीं है अगर यही क्वेश्चन सेम केवल पॉजिटिव दिया होता साइन थीटा दिया होता √3/2 तो क्वेश्चन कहाँ होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए होता और सेकंड क्वाड्रेंट के लिए होता यानी दो इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन आते मैं इसको भी शॉर्ट में यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ क्यों अगर पॉजिटिव होता तो क्या होता पॉजिटिव माना ऐसा होता साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2 तो ये तो इसे तो मॉडुलस करने की आवश्यकता नहीं है हम इसको सपोज कर लेंगे लेट डायरेक्ट अल्फा इज इक्वल टू यानी कितना साइन पाई बाय थ्री यानी ये अल्फा कितना हो गया पाई बाय थ्री मान लिया अब के का है पॉजिटिव है तो साइन पॉजिटिव कहां पे होता है भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में तो इसके दो आंसर फिर भी होंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो आएगा इसका पहला तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए अल्फा ही होगा तो अल्फा कितना पाई बाय थ्री हो जाएगा और फिर सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए कितना होगा सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए पाई माइनस अल्फा यानी पाई माइनस पाई बाय थ्री तो सॉल्व करेंगे तो कितना 2π/3 ठीक तो इसके भी दो आंसर एक 60 डिग्री हो जाएगा और दूसरा कितना हो जाएगा 120 डिग्री ये 60 डिग्री आपका होगा और ये 120 डिग्री होगा तो आपको इन सब चीजों को ध्यान रखना है क्वाड्रेंट का सबसे बड़ा रोल रहेगा इसमें तो आपको क्वाड्रेंट की ये वैल्यू याद रखनी है फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन किसमें कौन पॉजिटिव होता है किसमें कौन निगेटिव होता है यानी आफ्टर स्कूल टू कॉलेज का कंसेप्ट यहाँ पे बिल्कुल अप्लाई होगा ठीक फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए अल्फा सेकंड के लिए पाई माइनस अल्फा थर्ड के लिए पाई प्लस अल्फा और फोर्थ के लिए 2π/-α ठीक तो इस ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो चुका है आगे हम एक्सरसाइज से क्वेश्चन देखेंगे एनसीईआरटी के चलिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो हमने देख ही लिया था अब हम समझते हैं इसका जनरल सॉल्यूशन तो जनरल सॉल्यूशन कैसे हम फाइंड करेंगे ठीक क्वेश्चन भी बहुत सारे हम करेंगे तो दोनों मिक्स क्वेश्चन आता है फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन तो मेथड्स दोनों की पढ़ लेते हैं पहले मेथड्स टू फाइंड जनरल सॉल्यूशन तो जनरल सॉल्यूशन देखिए कैसे जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन द एक्सप्रेशन विच मे रिप्रेजेंट ऑल द सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन है ना ऐसी एक्सप्रेशन जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के सभी सॉल्यूशन को बताए वो जनरल सॉल्यूशन कहलाएगी ठीक फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लिया इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 देन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री भी हो सकता है 150 हो सकता है 390 हो सकता है 510 हो सकता है यानी इन एंगलों पे साइन थीटा की वैल्यू 1/2 होती है ना अगर थीटा हम ये एंगल पुट करें तो वहां पे उसकी वैल्यू क्या होगी 1 1.5 होगी यानी 1/2 होगी सॉरी 1/2 होगी है ना तो अब इसके लिए हम जनरल सॉल्यूशन क्या लिखेंगे थीटा की जो वैल्यू होगी जनरल सॉल्यूशन ये होगा n π/-1 और ये π/6 मतलब एंगल 1/2 तो कितने पे होता है 30 डिग्री तो 30 डिग्री को हमने यहाँ पे क्या लिख दिया है π/6 ठीक π/6 अब यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी कोई भी इंटीजर हो सकता है ठीक तो इंटीजर आप पुट करते जाइएगा जैसे 1 पुट किया आपने फॉर एग्जांपल 1 पुट किया हमने n की वैल्यू तो n 1 अगर हम पुट करते हैं तो क्या होगा पाई 1 पुट करोगे तो ऑड है माइनस हो जाएगा π/6 तो π/6 यानी ये कितना हो गया 5π/6 तो 5π/6 तो ये कितना हो जाएगा 150 डिग्री ठीक n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो नेक्स्ट एंगल मिलेगा 3 पुट करेंगे तो अगला एंगल मिलेगा 4 5 6 ऐसे पुट करते जाएंगे तो डिफरेंट एंगल मिलते जाएंगे ठीक तो हम जो निकाल रहे हैं वो जनरल सॉल्यूशन निकाल रहे हैं तो जनरल सॉल्यूशन के लिए ये तो केवल साइन के लिए केस था तो वैसे ही कॉस टेन सबके लिए अलग अलग होता है तो मैं एक चार्ट टेबल बना रहा हूं यहाँ पे जो सबके जनरल सॉल्यूशन को उसमें मैं नोट डाउन कराऊंगा आपको ठीक तो आपको सभी जनरल सॉल्यूशन याद रखने पड़ेंगे इसको प्रैक्टिस करके आप याद कर लीजिएगा कि साइन थीटा का है तो ये होगा कॉस का है तो ये होगा क्योंकि उसी के बिहार पे आप सभी क्वेश्चन होंगे तो जनरल सॉल्यूशन की टेबल आपको याद रखनी है मैं अभी चार्ट आपको क्रिएट करता हूँ चार्ट यहाँ बनाता हूँ आप भी नोट डाउन कर लीजिएगा तो चलिए बच्चों अब हम इसका टेबल देख लेते हैं ठीक है तो इधर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आपकी और इधर जनरल सॉल्यूशन तो इक्वेशन के लिए जनरल सॉल्यूशन जो दिया जाएगा आपको ये समझा देता हूँ साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा अगर कोई इक्वेशन है तो उसके लिए जनरल सॉल्यूशन ये होगा थीटा इज इक्वल टू n π/-1 n α अब यहाँ पे जो हम n यूज करेंगे n बिलोंग्स टू इंटीजर है ना वो इंटीजर वैल्यू होगी 0 ±1 ±2 ±3 यानी इंटीजर वाली वैल्यू होगी
आप यहाँ पे एन कोई भी इंटीजर पुट कर सकते हो। cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके थीटा की वैल्यू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। थर्ड है tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, sin थीटा इज इक्वल टू 0, tan थीटा इज इक्वल टू 0, तो दोनों के लिए जनरल सॉल्यूशन होता है थीटा इज इक्वल टू n पाई, थीटा इज इक्वल टू n पाई। ठीक है, यानी n पाई पे वो 0 होते हैं, आप मतलब इनकी वैल्यू 0 डिग्री पे 0 होगा, पाई पे 0 होगा sin, है ना, 2 पाई पे 0 होगा, 3 पाई, 4 पाई, n पाई पे 0 होगा। सिमिलरली tan के लिए भी वही होता है, tan n पाई पे 0 होता है। अब यहाँ पे cos थीटा इक्वल टू 0, तो cos थोड़ा सा है, cos 90 पे 0 होता है, सबको पता है ना, तो मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ 90, है ना, 90 का ऑड मल्टीपल, यानी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, तो cos क्या हो जाएगा आपका 0, जैसे पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, ठीक। तो जैसे जैसे मल्टीपल आते जाएंगे, ऑड मल्टीपल आते जाएंगे, तो वहां पे क्या हो जाएगा, ये cos थीटा आपका 0 हो जाएगा। अब ये तीनों कंडीशन मैंने यहाँ पे लिखी है स्क्वायर वाली, तो ये थोड़ी सी डिफरेंट है, अलग है, तो इसे भी ध्यान रखें, स्पेशल केस है। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा। सबके लिए जनरल सॉल्यूशन आपका होगा थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक, तो आपको ये पूरी टेबल याद करनी रहेगी, क्योंकि जब हम प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालेंगे, तो उसके बाद जस्ट जनरल सॉल्यूशन निकालना रहता है। ठीक, तो यहाँ पे हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन की जो एक वैल्यू रहती है, ठीक, उसे पुट करना रहता है, जो स्मॉलेस्ट वाला एंगल रहता है उसे पुट करना रहता है, तो जनरल में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको ये टेबल बस याद रखना है, क्वेश्चन हमें प्रिंसिपल के लिए सॉल्व करना है, जनरल के लिए बस एक स्टेप लिखनी रहती है। ठीक, तो यहाँ तक आप नोट डाउन करो, जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम सभी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस देख रहे हैं, तो नोट डाउन करिए इसे।